सो मैंने ज्वाइन कर दिया था यूरोप्रेन एसएमपी का सीजन 3। देखो लोग क्या कर रहे हैं। रोक दो तो स्टार्ट होते हैं, मुझे बनना था सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर। उसे उससे बनने के लिए हमें चाहिए होते हैं ओपी आर्मर। नेदरराइट आर्मर इस एसएमपी में बैन था, तो इसीलिए एक वार हो रहा था, उसमें जो जीता उसके टीम को मिलेगा नेदरराइट आर्मर। पर मैंने जितना सोचा था उससे काफी मुश्किल था, क्योंकि सब प्लेयर प्रो थे और मैंने ज्यादा ग्राइंडिंग भी नहीं किया था। और उस वक्त मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया। यार साइराम, यार मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है यार, कल के वार में हम हार ना जाए यार। बंदे कितने प्रो प्रो है यार एसएमपी में यार, हमारे पास तो यार सामान ही नहीं है यार। अच्छा हमने तो ग्राइंडिंग ही नहीं किया भाई। तो बताएं प्रकाश ने नहीं बताया क्या? प्रकाश ने पहले ग्राइंडिंग कर रखी, एक बेस बनाया उसने जहाँ पे सारे सामान है एमपी के। ओ भाई सच्ची, और प्रो तो अपन है ही। हाँ हाँ प्रो तो अपन है, इसीलिए हम वार जीतेंगे। लेट्स गो। ठीक है भाई, तैयारी कर जाके। हाँ ओके, थैंक यू मेरे को मेरा टेंशन कम करने के लिए। हाँ मिलते हैं। हाँ ये सुनने के बाद मेरा हौसला काफी बढ़ चुका था। तो गाइस अभी आता है वार का दिन। वार के दिन में हमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म खोलने शुरू किए। प्लेटफॉर्म खोदते खोदते काफी रात हो चुका था, इसीलिए और भी खोदा हमने प्लेटफॉर्म और यहाँ पर अरीना बनाया अच्छा सा। और तो गाइस मैं अपने बेस में आ चुका था, प्रकाश के बेस में आ चुका था। तो आप लोग देख ही सकते हो यार क्या ओपी ओपी आर्मर है। इस आर्मर से तो हम वार बिल्कुल ही जीतेंगे। और आपको बताएगा ये चेस्ट देखो गाइस, क्या ग्राइंडिंग की यार प्रकाश ने, मेरे को तो पता ही नहीं था यार। प्रकाश ओपी लिख दो यार चैट में। ये देखो यार कितना ओपी ओपी आर्मर है। तभी प्रकाश ने साईराम को, वही दोस्त साईराम को बिट्रे कर दिया और साईराम गुस्सा होके चला गया। हमारा मेन प्लेयर ही वही था यार, वो चला गया। अब देखो क्या होता है, तुम लोग देखो। देखते हैं भाई, अब देखना भाई, अब कोई जीत के दिखाना वो। अबे यार हमारा मेन प्लेयर चला गया यार, क्या भाई अब तुम वोर जीत के दिखाना, देखते हैं कौन प्लेयर है अब। भाई तू छोड़ दे रेबन को, छोड़ दे अमन को, छोड़ दे, मैं अकेला ही काफी हूँ। अभी तुम्हारे ओपोनेंट में है, क्या कर लोगे? तो गाइस उस वक्त मैं काफी घबरा गया था, क्योंकि हमारा मेन प्लेयर ही ये चेस्ट में देख था। और प्रकाश ने उसको भी थोड़ी सी एक्सपी बोतल है वो भी ले, काम आएगी। मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था मैं उसे कैसे बना दूंगा। भाई हमारा मेन प्लेयर ही वही था। दे अबे यार हम दोनों, हाँ पता नहीं। सैराम आया ये वापिस आया। सैराम यार मत जाओ ना यार, हम क्या करें यार, हम दोनों सिर्फ हम दोनों हैं यार, क्या करेंगे हम दोनों। आ जाओ ना प्लीज, गुस्सा मत हो, सामान ले लो यहाँ आके बेच लो। अबे यार तेरा मार। तो गाइस उस वक्त गॉड को प्रे करने के बाद बिल्कुल साइरम आ चुका था हमारे बीसी में। और पता नहीं वो हमारी टीम में आएगा या नहीं यार। यार मैं तो बहुत घबरा गया था, और वो मान भी गया था। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो हमें टेलीपोर्ट करा, प्रकाश ने उसको टेलीपोर्ट करा और उसे आर्मर दे दिया, उसे उसे जो भी सामान चाहिए था वो दे दिया। और यार मैं इतना खुश हो गया था उस मोमेंट पे, मैं आपको बता ही नहीं सकता गाइस। उसे मैं सही रहा
तो फिर हम देख, तू तू है ना, तू इधर बैठा था मतलब ऐसे क्राउच करके, मैं तुझे बार बार बोले जा रहा है कि सैरम तू मतलब इधर खड़े हो जाए प्लीज। मैं मतलब यार मैं कितना तेरी, बोला तुझे मतलब खड़े हो जाए, तेरी वॉइस ही नहीं आ रही थी। हाँ किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी, हम कब से बोल रहे थे इसके के माइक खोल रही है वो। फिर सुन सुन, फिर है ना तू इधर आके बैठा है ना, तू इधर आके बैठा है तो मैंने मैंने तुझे मारा अभी मतलब हाफ हार्ट पे छोड़ा तो ये ले। मतलब मुझे मुझे अब मतलब ये सुधर जाएगा इसको बुरा मत। ससेरा में ले ले, ससेरा में इतना जो भी सामान सब ले ले, वो सब तेरा है। अब ले लो ले लो ले ले, ये आर्मर भी तेरा है, ये तेरा डायमंड इधर है देख, तेरा डायमंड जैसे भी करके हमें जीतना है, हमें नेदर राइट आर्मर लेना है। प्रकाश एक काम, प्रकाश तू ये जो बोर्ड में, ये पूरी बोर्ड में तू स्क्रीनशॉट कर सकता है अपनी? हाँ कर सकता हूँ। हाँ बस कर। मतलब नहीं वो तो, अरे सुन तो प्रकाश, मेरा सारा वो फूड कहाँ पे है, मेरा फूड कहाँ पे है, वो स्टेक कहाँ पे है, स्टेक? क्योंकि भाई ये अंदर क्या स्टेक मांगो, इधर गोल्ड देख ले। अरे स्टेक कहाँ गया जो मैंने रखा था वो वाला, इधर है क्या? हाँ वो भाई जल्दी हीलिंग हो जाएगी। गोल्डन एप्पल ले सकता हूँ थोड़े से? ले लो ले। हाँ तो गाइस उस वक्त की खुशी में आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता था यार, इतना खुशी हो रहा था ना मैं। तो गाइस यहाँ से हम जाते हैं वार की अरीना की तरफ, और यहाँ पर सब अपने टीम के मेंबर्स को बुला रहे थे बीसी में आने के लिए। लेकिन लेकिन एक खुशखबरी की बात बताऊं, कोई भी सिर्फ दो टीम लड़ेंगे, हमारी टीम और दूसरी टीम लड़ेंगे, उनकी कोई ज़्यादा टीम की मेंबर्स नहीं आए, वो सब ऑफलाइन थे, इसीलिए हमें एडवांटेज होगा और टीम में बढ़ने लगे। अरे भाई वो मुझे नहीं पता, प्रकाश से पूछो, प्रकाश तो वो देखो सब लोग देख लो, वहां पे चार पिलर होंगे, उसके बीच में पीवीपी अरेना, उसके बाद ज्यादा कोशिश करना कि मत जा। बस सुनो ना, अब मैं अकेला ही आ रहा हूँ भाई, वो नहीं आ रहा, मैं अकेले ही आ रहा हूँ भाई, मेरे साथ वन वी वन कर लेना भाइयों। अरे भाइयों ना भाइयों, तो गाइस अभी ज्यादा टीम के बंदे आए नहीं, इसीलिए इसीलिए हमने एक प्लान बनाया, वन वर्सेस वन करते हैं। चलो चलो वन वर्सेस वन करते हैं, बारी बारी ऐसा करके बनाया, क्योंकि इनका टीम तो ज्यादा आया नहीं और सिर्फ दो टीम, ये तो बहुत नाइंसाफी और उनके लिए डिसएडवांटेज भी होगा, इसीलिए ऐसा रूल बनाया। ओके तो चलो मैं आपको मिलता हूँ फाइट में। ये पोशन कौन सा है? ये पोशन कौन सा भाई प्रकाश? पोशन नहीं, पोशन अलग चीज है वो, देना प्रकाश जल्दी टोटम। बट ये पोशन है प्रकाश, चीटिंग ना कर, चीटिंग ना कर, कुछ भी पोशन नहीं है, हीरो ऑफ द विलेज। तो गाइस अभी हम तैयारी कर रहे थे तभी यहां पर झगड़ा हो गया यार, वो क्या पोशन की वो झगड़ा हो गया, तो अभी अभी झगड़े हो गए तो फाइट में भी मजा आएगा ना। ओके तो लेट्स गो। कितने आए सब तो सब आ जा, तू तो आ जा, व्हाट कोई नहीं आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी कोई नहीं ऊपर का है, निकल निकल भाई, चोरी मिल गया मिल गया मिल गया, सब बीच में आ जाओ भाई, मारो रुक रुक बॉडी टीम के हिसाब से भाग के आएंगे इधर से उधर। अरे रिबेल एक काम कर, तो अलोन की टीम में चल जा, अलोन अकेला है ना इसलिए। नहीं भाई मैं नहीं लग रहा हूँ, मैं नहीं। बड़े लोगों बात सुन लो, अभी बीच में आओ, कुछ कोई कुछ नहीं बोलेगा नहीं तो मैं बैन कर दूंगा सीधे एसएमपी से। वन वी वन करो यार, इधर बस वन वी वन करा दो बस, ये कहना चाहूंगा। जल्दी गेम में जो जो बाकी है, संगम संगम ओके, अभी से मतलब अब वो स्टार्ट करते हैं। तो रिबिल को अंदर बस एक मिनट, जाओ आ रहा हूँ।
भाई मेरा अलोन को मारना है और ईविल को मारना है। डेविल को मार सकते हैं ना प्रकाश? मैं कह रहा हूं मेरा कूपन करवाओ, मैं ऐसे बोर करनी है, मैंने ऐसे नहीं करनी मेरे साथ। ए वो चालू तो ही ना हुई है अभी। प्रकाश रुक रुक भाई, मेरा वन वी वन डेविल को मार सकते हैं ना? डेविल मेरा वन सकते ना भाई, मेरा वन वी वन कराओ, मुझे नहीं पता मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। अरे अरे हम, अरे प्रकाश सुन तो, अरे अधीने से बाहर नहीं जा सकते अगर आ गए तो। चलो आ गए प्रकाश, सब लोग आ जाओ। और इन दोनों को मार सकते हैं ना, ये रिबिल और उसको अलोन को। भाई मेरा को मार सकते हैं। संगम यार तू साइड में आ जा, संगम तू कोने में आ जा, संगम तू कोने में आ जा। नहीं जाएगा प्रकाश, तू पहले जाएगा उससे लड़ने, अगर उससे लड़ने। बीच में आ जाओ। चलो सब आ जाओ, सब आ जाओ। रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो भाई। ये रिबिल मुझे मार रहा है, रिबिल मुझे मार रहा है, रिबल मुझे मार रहा है। पीछे हो भाई, बोन स्टार्ट हुई, मैं शुरू कर दूंगा मारना। एयर बड़ा गंदा हूं मैं। ओए ये रिबल मार रहा है, रिबल को मारने लग जाऊंगा मैं। आखिरी तो कह रहा हूं रिबल, मैंने शुरू किया। रुक जाओ, रुक जाओ, वे इधर बीच में आ जाओ, मैंने बोला बीच में आओ, बीच में आओ, बीच में आओ, बीच में आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, सब लोग बीच में आओ, बीच में आओ। आई संगम इधर इधर मत मार भाई, हेल्पफुल कर लो, हेल्पफुल कर लो, बीच में आ जाओ। चल सब लोग बीच में आ जाओ और पीपी स्टार्ट करो। रुक जाओ, रुक जाओ, बीच में आओ ना। अरे अभी मत गाली दे, रिबिल रिबिल बीच में आ जा, रिबिल बीच में आ जा, लास्ट वार्निंग। अलोन बीच में आ जा, बैन नहीं होना। अलोन रिबिल दोनों आ जाओ, जिसको भी बैन, बीच में आ जाओ भाई। किधर आना, उधर सारे कर रहे हैं। हां अब देखो, अब से मतलब पीपी मतलब अभी से स्टार्ट होता है। चलो मारना स्टार्ट करो यार। कोई बंदा केले में आए, को को ऐसे मत रहना, सबर करो, मुझे ऊपर आने दो, मुझे नीचे गया। अरे मैं नीचे आ गया हूं। हम लोग जाते हैं रिवील को आउट करने। मेरा प्लान के मुताबिक भाई, मेरा हिट ही नहीं लग रहा, खराब हो गया क्या ये? संगम बैठ के, संगम लाना तो भाग ही आ रहे हैं भाई। पानी डाले जा रहा है। रिबिल को पकड़ो, रिबिल को पकड़ो सब लोग। प्रकाश रिबिल को पकड़, अलोन को जाने, रिबिल को पकड़। दो दो बंदे एक बंदे के ऊपर कर रहे हैं। अरे मेरे पास एरो नहीं है भाई। चलो अलोन के पास आ जाओ, अलोन के पास आ जाओ। ओए प्रकाश ने मुझे, प्रकाश ने मुझे एक्स मोड है, प्रकाश ने मुझे एक्स मोड है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं ये देखो, उसने मुझे वन हिट किया। प्रकाश ने मुझे वन हिट किया। मेरे पे इतने गलती, दो हार्ट से दे रहे, ज्यादा झूठ मत बोल यार। मेरे पास फ्री कैम भी है, वो मतलब क्या भाई मेरे को हर्ट के मैं भी कोशिश कर रहा था। यो इसका मैं यो नहीं बोलता हूं बेटे, ये जो किया ना इसने भाई, चीटिंग की है प्रकाश ने भाई। मैं नहीं खेल रहा, हां ले ले सब भाई, तो स्पॉन में आगे दे, मैं नहीं आ रहा। चीटर, इसने स्ट्रेंथ का पोर्ट मारा हुआ था, इसको कह के आए वीसी पे आए। और अभी स्क्रीनशॉट प्रकाश, ये देखना अनफेयर हो रहा है। ये रिबिल आउट हो रहा था तो उसने स्पॉन पे चले गया, स्पॉन पे चले गया। बहुत ऐसे ही होगा। तुमने पता क्या किया, तुमने पता क्या किया, अपने बॉडी उसने स्ट्रेंथ का पोर्ट मारा हुआ था, मुझे पहले लग रहा था उसने लगाया हुआ था। इसके बाद गाइज क्या हुआ पता है यार, क्या बोलूं यार इसके बारे में। इसके बाद गाइज ये प्रकाश ने वन हिट पे वो अलोन को मारने के बाद अलोन हैक लगा के आता है और हमें कॉम्बो ही कॉम्बो करता है। आप देखना वीडियो में वो कैसे हैक लगा के आता है। और ये वार तो यार क्या, ये वार का तो पूरा मजा ही खराब हो जाता है। ऐसे करके हमने इस वार को डोमिनेट किया था, ऐसा ही बोल सकते हो, हमने इस वार को डोमिनेट किया था। तो गाइस तो यहाँ मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया यार उसका हैक का। तो गाइज इतना ही था, हमने डोमिनेट कर दिया सारे प्लेयर को। और हाँ गाइज ऐसे ही करते हमने, मेरा सपना पूरा हो गया एक तरीके से, हमने वार को डोमिनेट किया।
और तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। आपको ऐसी तरीके की वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।